वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अगर आपसे पूछा जाए कि मस्जिद के मौलाना का क्या काम होता है तो आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है कि आपका जवाब यही होगा कि उनका काम होता है अल्लाह के बंदों को नेक हिदायत देना, मस्जिद में होने वाले पूजा पाठ के कार्यक्रमों की देख रेख करना और उसका इंतजाम करना। लेकिन ये क्या, यहाँ तो मौलानाओं का एक खौफनाक चेहरा हर दिन सामने आ रहा है। कभी खबर आती है कि किसी मौलाना ने मस्जिद में जैसी पाकसार जमीन पर किसी मासूम का बलात्कार कर दिया, तो कहीं से खबर आती है कि मौलाना किसी आतंकी साजिश में पकड़ा गया है। ये इल्जाम हम नहीं बल्कि आए दिन सामने आती उनकी करतूतें बयां करती हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कराने वाले और लव जिहाद जैसे घिनौने कामों को अंजाम देने वाले कट्टरपंथियों का यूपी एटीएस हर रोज बड़ा खुलासा कर रही है। इस कड़ी में ताजा और बड़ा खुलासा यह है कि यूपी एटीएस की आर्थिक शाखा ने अवैध धर्मांतरण में अब तक 150 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग के सबूत इकट्ठा किए हैं और यह रकम मौलाना उमर गौतम और सादी करीम और सलाउद्दीन के पास भेजी गई थी। इस खुलासे के बाद से ही आपको बता दें कि एटीएस अब फंड भेजने वाली विदेशी संस्थाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है और विदेश में बैठे उन आतंकियों को दबोचने में लगी है जो वहां बैठकर हमारे भारत को अंदर से खोखला कर बर्बाद करने की साजिश रचते हैं। दरअसल एटीएस की जांच में यह सामने आया है कि दूसरे कामों में इस्तेमाल के लिए मिले फंड का प्रयोग धर्मांतरण में हो रहा था। छानबीन में पता चला है कि 5 साल के दौरान उमर गौतम की संस्था इस्लामिक दवा सेंटर और साथ ही फातिमा चैरिटेबल ट्रस्ट को 30 करोड़ से ज्यादा रुपए विदेशी संस्थाओं से मिले हैं। मगर उसका इसके आपको बता दें कि इसमें से 60% का उपयोग सिर्फ धर्मांतरण के लिए खर्च किया गया है। वहीं वडोदरा के रहने वाले सलाउद्दीन की संस्था अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी कि AFMI को 5 साल में करीबन 28 करोड़ रुपए मिले हैं जो उसने उमर गौतम को दिए थे। वही 22 करोड़ रुपए की रकम कलीम की संस्था जल हसन एजुकेशन सोसाइटी को भेजे गए थे। आपको बता दें कि ये फंड दुबई, तुर्की और अमेरिका संस्थाओं की तरफ से भेजे गए थे। सिर्फ इतना नहीं, इसके अलावा महाराष्ट्र के प्रकाश कावड़े उर्फ एडम को उसके सहयोगियों ने ब्रिटेन से करीबन 57 करोड़ रुपए संस्थाओं के द्वारा भेजे गए थे और उनको ऐसा आदेश दिया गया था कि इन पैसों का इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण को बढ़ाने के लिए किया जाए। इन सब की यह साजिश थी कि किसी भी तरह से जल्द भारत को इस्लामिक स्टेट बना सके ताकि पाकिस्तान और बाकी के तमाम देशों की तरह हमारे देश में भी आतंकियों का राज बन सके। इस मामले की जांच कर रही एटीएस के अलावा ईडी ने भी इस फंडिंग के स्रोतों के बारे में यानी कि उनके सोर्सेस के बारे में पुख्ता जानकारी जुटाई है। विदेशों से आए रुपए कहां खर्च किए गए, एजेंसियों ने इसकी जानकारी जुटा ली। अब इसकी रिपोर्ट कोर्ट को भेजी जाएगी और उसके बाद ही मामले की पूरी तौर पर जांच शुरू की जाएगी और कार्रवाइयां की जाएंगी। तैयारियां तो इनकी बहुत थी, लेकिन वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि जिसकी हिफाजत खुदा करता है उसका कोई भी बाल बिबाका नहीं कर पाता। खैर, आप देख रहा होगा कि इस मामले में और क्या क्या निकल कर सामने आता है और कौन कौन से मौलाना इस जांच की आंच में झुलसते हुए नजर आते हैं। लेकिन आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमारी सुरक्षा में बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार लोग लगे हुए हैं जो आप पर, हम पर और देश की आन बान शान पर कभी भी रत्ती भर भी खरोंच नहीं आने देंगे। खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।